हाय फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आज मैं बना रही हूँ माय ओन स्टाइल नवरत्न कोरमा। इसके लिए मैंने थोड़ा सा मिक्स वेजिटेबल लिया है। आपकी जो इच्छा हो आप वो सब्जियाँ इसमें ऐड कर सकते हैं। एक ऑनियन लिया हुआ है और थोड़ा सा काजू, कसूरी मेथी और थोड़े से खड़े मसाले, थोड़ा क्रश पनीर और थोड़ा सा मावा। सबसे पहले हम एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसमें मैंने 8-10 काजू लिए हैं, इसको रोस्ट करेंगे। ये काजू हमारे रेड हो गए हैं, इनको हम निकाल देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा खड़ा मसाला, जिसमें मैंने लिया है तेज पत्ता, 2 हरी इलायची और 2 लौंग और थोड़ी सी दालचीनी का टुकड़ा। अब इसमें ऐड करेंगे कटा हुआ 1 प्याज। ये हमारा प्याज भुन चुका है, इसको हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ इसका जो स्मेल है प्याज की वो हमें इसको हटानी है। अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, एक उबाला आने तक हमें इसको पकाना है। और इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा क्रश किया हुआ हरी मिर्ची और अदरक और 1 चम्मच नारियल पाउडर। अब इसको हम ठंडा करने के लिए एक बाउल में निकाल देंगे। अब पैन में थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे और इसमें हमने जो कटी हुई सब्जियां मिक्स वेजिटेबल रखी थी उसको ऐड करेंगे। इसको अच्छे से भूनना है ताकि क्रंची हो जाए सब्जियां। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको ढक देंगे। अब सब्जियों को गलने तक पकाएंगे। जब तक हमारी सब्जियां उबल रही हैं तब तक मैंने ये थोड़े से काजू रात को भिगो के रखे थे, इनको हम पेस्ट बनाएंगे और इसी में ऐड करेंगे हमारा प्याज। इस तरह से हमारी ये वाइट ग्रेवी तैयार हो जाएगी। अब हमारा ये काजू और प्याज का पेस्ट तैयार हो चुका है, इसको हम एक बाउल में निकालेंगे, इसी से तैयार होगी हमारी ग्रेवी। ये हमारी सब्जियां पक चुकी हैं, इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम डालेंगे पैन में थोड़ा सा ऑयल। अब इसमें हमने जो प्याज और काजू का पेस्ट बनाया था वो डालेंगे। इसको हमें 5 से 7 मिनट तक पकाना है जब तक कि ये ऑयल ना छोड़ दे, और लगातार हिलाना है नहीं तो काजू की वजह से ये पेस्ट नीचे चिपक जाएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा खोया, थोड़ा सा क्रश पनीर, थोड़ी सी कसूरी मेथी और हम इसमें ऐड करेंगे पानी। अब थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और जो ये सब्जियां थी उनको हम अब डाल देंगे। मैंने थोड़ा सा ये दाल मखाना रोस्ट करके रखा है। ज़्यादातर इसमें लोग मशरूम डालते हैं लेकिन रेनी सीजन में मशरूम नहीं खाना चाहिए, और साथ ही थोड़े से काजू रोस्ट किए थे। थोड़ा सा शुगर ऐड करेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा पानी और डलेगा इसमें। अब इसको 5 मिनट के लिए पकने देंगे। ये हमारा नवरत्न कोरमा रेडी है विद नाइस कलर एंड नाइस अरोमा। अब हम इसको गार्निश करेंगे फ्रेश क्रीम से, फिर डालेंगे इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू। audiobph.com